तो अच्छा भाई, ये केबल हमने इंस्टॉल कर दी है, ठीक है, ये कारप्ले के लिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, एक ग्रीन केबल है, एक ब्लू केबल है। तो ये दोनों केबलें यहाँ नीचे से लगा के, बिल्कुल नीचे से लेके आके हम इसकी ये जो है दुर्जे इसमें ले आए हैं, ठीक है। ये दो केबलें, तो ये ओरिजिनल वाला है, हम इसको भी रिमूव कर देंगे, इसकी जगह नया वाला लगा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये इसकी पहले LCD को वो करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल वो है, अभी ये जो इसकी दो केबलें हैं आपने ये कनेक्ट करनी है, ओरिजिनल वाली केबल जो छोड़ देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर कनेक्ट कर देनी है, मैं आपको अभी वीडियो में दिखा भी दूंगा बाद में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दोनों केबलें कनेक्ट कर दी हैं, ये दोनों केबलें कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो ओरिजिनल वाली ये USB केबल है, ये आपने छोड़ देनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो इसकी मैं और जो अभी केबलें हैं सब कनेक्ट करता हूँ, जेन्युइन जितनी भी केबलें हैं सारा कुछ इसके सिस्टम में भी कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। तो इसकी सारी जो भी केबलें हैं वो कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल वाले हम छोड़ देते हैं ऐसे ही अंदर इसको, और इस मॉनिटर को ऐसे इसकी अपनी जगह पे वापस बिठा देते हैं। जिसके पीछे थोड़ा केबलें पीछे करने ही पड़ेंगी, तो इसका ये सिस्टम कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी ये जो इसका वो LCD हम कनेक्ट करते हैं, तो अभी इसका ये LCD कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी हम इसका जो सिस्टम है वो कनेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं।